हाँ जी, राम राम जी। आज 31 मई का जो दिन है, पूरे हरियाणा के वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा दिन बन गया है। आज दोस्तों सीईटी के ऊपर बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे थे और बहुत सारे इश्यू सामने आ रहे थे। आज उन सभी का फैसला आ गया है और बहुत सारी भर्तियां रद्द हो गई है। इसी के बीच बहुत सारे साथियों का मैसेज ये आ रहा है, ताऊ जी की ग्रुप डी भर्ती का क्या हुआ? क्या ग्रुप डी भर्ती रद्द होगी? क्या ग्रुप डी भर्ती सेफ है? तो दोस्तों 5 नंबर हटा दिए गए हैं ग्रुप सी की भर्ती से, ग्रुप डी की भर्ती से, टीजीटी की भर्ती से। 5 नंबर खत्म हो गए हैं। ग्रुप डी की भर्ती की बात करें तो ग्रुप डी की जो भर्ती है वो सेफ है, बस 5 नंबर हटा दिए गए हैं। जो बच्चों जिन्होंने ज्वाइनिंग कर रखी है उनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि केवल उन्हीं बच्चों की ज्वाइनिंग करवा रखी है जिनको 5 नंबर की जरूरत ही नहीं है। और अब जो नई लिस्ट आएगी वो भी ऐसे ही बच्चों की आएगी जिनको सिलेक्शन में आने के लिए 5 नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप डी की जो भर्ती सेफ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ग्रुप डी की भर्ती पर कोई भी आंच नहीं आई हुई। तो जो भी साथी ग्रुप डी भर्ती से जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय, अपना सजेशन दीजिएगा। धन्यवाद।